इस समय प्रेजेंट टाइम में हम लोग कांग्रेस के पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस क्यों मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, एकदम खुला है। पांच बार का बेचारा हारा हुआ प्रत्याशी है, किसी दूसरे पार्टी में गया नहीं। यहाँ का लोकल नेता है और हम लोग उसके साथ हैं। इतना बटन दबा देंगे कि आने वाले सोचेंगे कि कांग्रेस इतने वोट से कैसे। 5 किलो जो देते हैं उसके नाम पे कई क्विंटल जरवाने का काम किए, इसलिए हम लोग कांग्रेस के साथ हैं और वीरेंद्र चौधरी को सूद समेत लौटा रहे। योगी जी बगल से चुनाव लड़ रहे हैं, गोरखपुर पूरा प्रभाव है। अरे वो सब कहने की बात है मित्र, वो सब कहने की बात, आप खुद युवा है। यहाँ से कांग्रेस जीत रही है, अखिलेश यादव की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से। महंत जी से क्या दिक्कत हुआ आपके पड़ोसी? अरे महंत हम देखना नहीं चाहते हैं उनको, दान छोड़ के लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। नरेगा का काम है, उसको बुलडोजर चलवा के अपना काम करवाते हैं। यहाँ के मजदूर पैसा नहीं पा रहे हैं, गरीबी आ गई है। हमारी कांग्रेस सरकार पुरानी सरकार है, बहुत बढ़िया है। अखिलेश की सरकार तो 100% पूर्ण बहुमत से बन रही है, क्योंकि पश्चिम से बनते हुए आ रही है। पहले हम लोग 40 रुपए का रिचार्ज में काम चलता था, 209 रुपए का कराओ जियो में तब काम चल रहा है, फोन भी बंद हो जा रहा है। कई तरह से लूटने का काम कर रहे हैं यहाँ। बाबा का प्रभाव कुछ नहीं, बड़े लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीबों की एकदम वाट लगाते रहे। इनके पास बाल बच्चे है नहीं, बीबी बच्चों वालों की परेशानियां क्या जानेंगे बाबा जी। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। महाराजगंज जनपद में मौजूद है फरिंदा विधानसभा में, छठे चरण में जो है यहाँ जो मतदान होना है। ऐसे में जो तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कहाँ किसको देख रहे हैं, क्या कुछ आंक रहे हैं। इतने चरण में जो मतदान हो गया, यहाँ की जनता क्या कुछ इनका जमीनी मुद्दा रहेगा, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे शुरू करते हैं, क्या देख रहे हैं, कैसा रहा पूरा योगी जी का 5 साल? ठीक तो रहा लेकिन रोजगार नहीं रहा भैया। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोटिंग में? इस बार रोजगार रहेगा भैया, महंगाई, बेरोजगारी बहुत अति हो गया उत्तर प्रदेश में। रामराज कह रहे तो आ गया, रामराज नहीं है, बेरोजगार राम। क्या कह रहे हैं? फरिंदा विधानसभा 315 से कांग्रेस 5 बार जो वीरेंद्र चौधरी जी आ रहे हैं उनको सूद समेत हम लोग लौटाने का काम कर रहे हैं। करीब करीब 1,32,000 वोटों से जीत। योगी जी का काम पसंद क्यों नहीं? योगी जी एकदम खाली एकदम तमाशा कर दिया, सांड को छोड़ के हमारा 5-7 क्विंटल गेहूं और धान चरवाने का काम किया। 5 किलो जो देते हैं उसके नाम पे कई क्विंटल चरवाने का काम किया, इसलिए हम लोग कांग्रेस के साथ हैं और वीरेंद्र चौधरी को सूद समेत लौटा रहे। योगी जी बगल से चुनाव लड़ रहे हैं, गोरखपुर पूरा प्रभाव है। अरे वो सब कहने की बात है मित्र, वो सब कहने की बात, आप खुद युवा है। यहाँ से कांग्रेस जीत रही है, अखिलेश यादव की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से। कांग्रेस यहाँ से सूद समेत जीत रही है। बाबा जी झंडा लेकर क्या, बाबा जी क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? हमारी सरकार आ रही है। किसकी सरकार? अखिलेश। झंडा कांग्रेस का ले लिया आप तो? भाई क्या करें, सत्तावन की इच्छा है। कांग्रेस जीत रही है। हाँ महंत जी से क्या दिक्कत हुआ आपके पड़ोसी हैं यहाँ? अरे महंत हम देखना नहीं चाहते हैं उनको। क्या काम, सांड छोड़ के लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, ठीक है? जनता को गुमराह करके वोट ले रहे हैं, ठीक है? तो अपराध खत्म हुआ, बुलडोजर चल रहा है। अरे बुलडोजर कहाँ चल रहा है भाई, वो तो बुलडोजर अपने मोदी के नाम पे, मोदी कई लाख रुपए लेके भाग गया, उसको क्यों नहीं पकड़े हैं? अब पहले हम लोग 40 रुपए का रिचार्ज में काम चलता था, 209 रुपए का कराओ जियो में तब काम चल रहा है, फोन भी बंद हो जा रहा है। मोदी जी कई तरह से लूटने का काम कर रहे हैं यहाँ। कांग्रेस जीत क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है भाई साहब? माहौल तो भैया यहाँ बहुत बढ़िया बन गया है कांग्रेस का, काफी वोटों से जीत रही है। अच्छा कांग्रेस का बन रहा है, कांग्रेस ये लड़ाई में कह रहे कांग्रेस नहीं, आप कह रहे कांग्रेस नहीं। हमारे 315 विधानसभा से कांग्रेस बहुत भारी मतों से विजयी हो रही है। अच्छा योगी जी का कैसा रहा 5 साल? ये तो काफी कुछ किए नहीं, बहुत यहाँ से युवा जो है आप देख ही रहे हैं काफी नाराज है, युवाओं का नाराज देख ले रहे हैं। क्या लग रहा है भाई साहब? वो जो नरेगा का काम है उसको बुलडोजर चलवा के अपना काम करवाते हैं। यहाँ के मजदूर पैसा नहीं पा रहे हैं, गरीबी आ गई है, वो कहते हैं भूजा बेचो, सबको बना मदारी की तरह नचा रहे हैं। हमारी कांग्रेस सरकार पुरानी सरकार है, बहुत बढ़िया है। कह रहे हैं कि अब अच्छे दिन आएंगे? हाँ अच्छे दिन आने वाले आ गए हैं। क्या कह रहे हैं बताएं, क्या रहा 5 साल? जी मैं कौशल अली और ग्राम सभा माध्यम। 5 साल कैसा रहा ये बताएं? 5 साल ऐसा रहा जैसे कि गरीब घर के घर में जाइए तो आपका गैस सिलेंडर अगर 1,000 रुपये हैं तो एक गरीब घर का रेडी चलाने वाला व्यक्ति अगर वो दिन भर रेडी चला करके आता है तो आप उसके घर वाले जब अपने फैमिली में जाता है जो बंदा तो घर वाले ही कहते हैं कि गैस सिलेंडर 1,000 हो गया, गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, कहाँ से आएगा। बहुत तरह तरह के परेशानियाँ हैं और इन परेशानियों के साथ साथ आज हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस यहाँ पूर्व बहुमत से। बीजेपी तो कह रही है कि हमारे पक्ष में बड़ा अच्छा रहा। बीजेपी क्यों नहीं कहेगी, बड़े भाई यूरिया 50 किलो का बोरी आता था, आज के डेट में बोरी दुकान पे जाके पता करिए 45 किलो का हो गया है, दाम वही है मेरे भाई। और नहीं तो 4 बजे से जाके लाइन लगाना पड़ रहा है यूरिया के लिए। किसान कितना परेशान है, डीजल का दाम देखिए, पेट्रोल का दाम देखिए, किसान आत्महत्या करने पर उतारू हो गया है। यही बीजेपी की सरकार है ना। बाबा का प्रभाव तो पूर्वांचल में है ना? बाबा का प्रभाव कुछ नहीं, बड़े लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीबों की एकदम वाट लगा दे रहे हैं, ठीक है?
बाबा बाबा को अब आश्रम में आके अपना राम राम करने की जरूरत, क्योंकि इनके पास बाल बच्चे हैं नहीं, बीबी बच्चों वालों की परेशानियां क्या जानेंगे बाबा जी। कैसा रहा 5 साल आपके लिए? कोई बेहतरीन नहीं रहा। नहीं रहा? नहीं। तो फिर क्या किसको देख रहे ऑप्शन में? और इस समय प्रेजेंट टाइम में हम लोग कांग्रेस की पार्टी के साथ हैं। क्यों कांग्रेस क्यों? मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, एकदम खुला है। 5 बार का बेचारा हारा हुआ प्रत्याशी है, किसी दूसरे पार्टी में गया नहीं, यहाँ का लोकल नेता है और हम लोग उसके साथ हैं। इतना बटन दबा देंगे कि आने वाले सोचेंगे कि कांग्रेस इतने वोट से कैसे जीत गई। कांग्रेस लड़ाई में नहीं, आप कह रहे कांग्रेस जो कहता है वो ना, हमारे फरंदा विधानसभा का देखिए, यहाँ आप आए हैं, यहाँ का समीक्षा कीजिए, देखिए कितना वोट है, तब ना मालूम होगा। योगी जी को क्यों भेज रहे हैं? योगी जी क्या किए, अपने खेत का मिट्टी निकालिए और पुलिस वाले को पैसा दीजिए, यही नियम है। कहीं सुने हैं आप कि अपने खेत का मिट्टी निकालिए और अपना ही पैसा दीजिए? कहीं देखे हैं आप ऐसा कि अपने खेत का मिट्टी निकालने के बाद और अपना ही पैसा दीजिए? खेत हमारा, मिट्टी हम निकलवा रहे हैं, घर हम बनवा रहे हैं और पैसा हम दूसरे को दो, हम तबाह हों ऐसा क्यों? बड़े घर के लड़के जो इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं, छोटे घर के बच्चे जिसके पास, उनका विधानसभा योगी जी का तो बगल में, इसका कोई प्रभाव नहीं है? नहीं, कुछ का क्या प्रभाव है? हम लोग 3-4 साल 3 बार बजरंगी जी को विधायक बनाए, जो उन्होंने किया सामने है, जो कांग्रेस की पार्टी है 5 बार हारी है, इनके साथ हैं, इतने बंपर रोड से जिताएंगे कि दुनिया फोचेगी। क्या लग रहा है भाई साहब, बताएं माहौल यहाँ पे? इस बार वीरेंद्र चौधरी चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है, कमल भी है, बाकी पार्टी भी है, साइकिल भी है? कमल जाएगा 3रे स्थान पे। क्यों लग रहा है भाई, इतनी बड़ी पार्टी है? बहुत बंपर रोड से चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ की जनता मन बना चुकी है। मन बना चुकी है जी। योगी जी से क्या दिक्कत रहा है? कोई उनसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बदलाव करना चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? बदलाव क्यों फिर? बदलाव इसलिए, क्षेत्र का है, हमारे घर के हैं वो लोग, वो एक बार विधानसभा में जीत के पहुँचे। क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए इस बार जी? इस बार का मुद्दा जैसे हर बार होता है, रोजगार, सुरक्षा, ये सभी मुद्दा रहेगा। और सबकी अपनी अपनी सरकार सब काम करती है, यहाँ तक कि भाजपा को भी 5 साल मिला, जो कि 5 साल पूरा नहीं रहा, 2 साल लॉकडाउन में निकल गए हैं, वैसे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और इस बार देखेंगे, अपना मत, सबका अपना मत है, सब लोग अपना मत। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कांग्रेस है वो मजबूत के तरह से लड़ाई लड़ रही है, कहाँ पे कांग्रेस? जैसे यहाँ पे कांग्रेस है, हमारे वीरेंद्र चौधरी जी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे 5 बार के हारे हुए हैं, तो इस बार जनता सब मत बना चुके उनके तरफ जाने के लिए। 80 बनाम 20 की जो बात करते हैं, तो उसमें कितनी सफलता मिल रही है? वो तो उनकी जुमला है, कहाना है। अभी तो अमित शाह जी, हमारे जो नेता जी, वो कह रहे हैं कि जो इंटर पास होंगे, 12वीं में नाम लिखाएंगे, उनको तो लैपटॉप देंगे। अच्छा, तो सीधे सीधे चुतिया बना रहे हैं। तो पत्रकार महोदय, मैं पहले सबसे पहले यह कहना आपसे चाह रहा हूँ कि जो किसान है, कि यह जनता है, हताश खाई हुई है, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है, परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, अगर ये हमारे वीरेंद्र चौधरी जी को हम लोग विधायक बना रहे हैं, अखिलेश की सरकार तो 100% पूर्ण बहुमत से बन रही है, क्योंकि पश्चिम से बनते हुए आ रही है, इधर आगाज बता रहा है। तो योगी जी टिके हुए हैं? अरे योगी जी कहाँ टिके हुए हैं महाराज, आप योगी जी के बहुत शुभचिंतक दिख रहे हैं हमको पत्रकार महोदय। आने वाले 3 मार्च को हम लोग कांग्रेस के सामने या पंजाब के सामने वाले निशान पर इतना बटन दबा देंगे, याद रेडी, हमारे वीरेंद्र चौधरी जी का यहाँ लगभग 1,40,000 से ऊपर मतदान उनके ऊपर होगा। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं यहाँ पे? कांग्रेस को भैया हम कहीं नहीं देख रहे हैं। हम अपने विधानसभा 315 क्षेत्र फरंदा में आदरणीय माननीय वीरेंद्र चौधरी जी को देख रहे हैं। बेचारे 5 बार जो चुनाव हारे हैं। बाबा से क्या दिक्कत हो गई? बाबा से दिक्कत तो इतना हो गई, हम लोग यहाँ जंगल के बगल के रहने वाले हैं, आप देख लीजिए, यहाँ हम लोग गाँव में राशन 5 किलो दे रहे हैं, 5 किलो राशन पे इतना गुमान, 5 क्विंटल साढ़ खा गया जनता परेशान। किस मुद्दा पे योगी बाबा आप चुनाव लड़ रहे हैं? पहली बार राष्ट्रवाद मुद्दा रहेगा, मंदिर बना। हमारी बात थोड़ा आप सुन लीजिए, यहाँ से हमारे यूपी से 2022 में 10 मार्च को आप देख लीजिएगा, लखनऊ में जा बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार, पहला इंजन लखनऊ में जाते जाते सीज हो जाएगी 2022 में। ओके, उसके बाद 24 में आप खुद ही देख लीजिएगा पत्रकार भाई हमारे, आपसे क्या दे रहे हैं, उम्मीद दिलाते हैं और उम्मीद रखते हैं सभी भाइयों से, 2024 में दिल्ली तक जाते जाते जो एक इंजन बचेगा वो भी सीज हो जाएगा। वो तो कहते हैं कांग्रेस जो है वो 70 साल देश को लूटा, कांग्रेस ने लूटा। क्या हुआ? कांग्रेस ने लूटा आपको? कौन कहता है? कौन कहता है? कौन कहा? हमारे सामने बीजेपी वाले तो आरोप हमारे सामने लाइए, जो कह रहा हमारे सामने लाइए, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हमारे पास आँख है, हम देख रहे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, जंगल से तो आए नहीं है। क्या लगता है कांग्रेस ने लूटा है 70 साल? कांग्रेस ने जो है कुछ भी नहीं लूटा है, हमारे यही जो
आदरणीय भाई जो भी हमारे पब्लिक हैं वो जो है उनके बच्चे पढ़ने नहीं पा रहे हैं। एक भाजपा की सरकार कहती थी हमने आपको रोजगार देंगे, ये अभी तक मिला ही नहीं। चलिए तो यहाँ पे जो है फरिंदा विधानसभा में जो महाराजगंज जनपद है यहाँ पे सबसे हमने बातचीत कर ली, यहाँ पे माहौल क्या कुछ है आपको पता चल गया होगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।